पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में चल रही जया किशोरी जी की भागवत कथा का हुआ समापन। पिछोर की छत्रसाल स्टेडियम में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी की कथा का हुआ समापन। लगातार 6 दिन से चल रही कथा का 7वें दिन आज किशोरी जी द्वारा सुदामा चरित्र एवं राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा सुनाई गई। कथा सुनाने के बाद किशोरी जी ने भाव विभोर करके भक्त गणों से विदाई ली। इस दौरान पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू ने आयोजक परिवार को धन्यवाद दिया। विधायक केपी सिंह ने कथावाचक जया किशोरी जी से पिछोर विधानसभा के खनियाधाना में कथा के लिए आने का आग्रह किया। 7वें दिन कथा में हजारों की संख्या में भक्तगढ़ पहुंचे और 7वें दिन की कथा का रसपान किया। कथा के अंत में मंच से कथा में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का एवं पत्रकारगढ़ का सम्मान किया गया। आयोजक रूप सिंह परिहार द्वारा कथा में आए हुए अतिथियों एवं पिछोर की जनता का आभार व्यक्त किया। संवाददाता सचिन भट्ट की रिपोर्ट। जय किशोरी देवी, उनके समस्त साथी, आयोजक परिवार और ये जिनने सहयोग दिया है वो सब लोग, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबको जिनने यहां उपस्थित होके पूरी शांति से कथा श्रवण किया। मैं रूप सिंह और उनके समस्त परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय जय किशोरी जी, परम पूज कनकेश्वरी देवी यहां आती रहती हैं, और मैंने जब उनसे कहा कि इस कोरोना के बाद कथा नहीं हो पाई है तो आप चलो, तो उन्होंने एक ही बात मुझसे कही कि एक बार किसी और को बुला लो। दो तीन बार उन्होंने कहा, तो मैं खोज कर रहा था किसको बुलाया जाए, किसको देखा जाए, और आपका नाम उसमें सबसे ऊपर मेरे सामने आया। मैं आपसे संपर्क करने वाला ही था, लेकिन मुझे शुभ सूचना मिली कि आदरणीय रूप सिंह परिहार जी ने आपसे बातचीत की है और आपने पिछोर के लिए राजा मंदी आपकी अपनी दे दी।